सबसे पहले आपको बड़ी खबरें बताएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विदेश के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें दुबई वो अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ 7 सदस्यीय दल भी गया है और आरएस बाली कांग्रेस नेता है वो उनके साथ गए हैं, सुनील शर्मा ये भी उनके साथ गए हैं, भरत खेड़ा आईएएस ऑफिसर है, मानसी साय ठाकुर, रोहनचंद ठाकुर, विवेक भाटिया ये आईएएस ऑफिसर हैं, सभी ये भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ दुबई के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताते हैं दुबई जाने का मकसद क्या है। टूरिज्म में बड़ा निवेश लाने का जो है वो प्रयास सरकार करेगी। वहां पर 13 से 16 दिसंबर तक का ये दौरा है और वहां पर जो है वो टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को कैसे विकसित करना है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हिमाचल में आकर के पैसा लगाएं, इससे रिलेटेड जो वार्तालाप है वो वहां पर की जाएगी और हिमाचल से संबंधित जो जानकारी है वो भी उनके साथ साझा की जाएगी कि यहां पर वेदर कैसा है, क्या संभावनाएं हैं। और एक देश के अंदर बात करें तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म स्टेट है, अधिकतर लोग यहां पर टूरिज्म पर डिपेंड है, सारी जो बातें हैं वो उनको बताई जाएगी। इन्वेस्टर्स को किस तरीके से यहां पर लाना है और वहां पर क्या वार्तालाप करनी है, उनके साथ टाई अप करना है, इसको लेकर जो पूरी वार्तालाप है वो की जाएगी। निवेश करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। दुबई से लौटने के बाद जो नए मंत्री बनाए हैं, 2 नए मंत्री बनाए हैं और इससे भी दिलचस्प जो बात है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चाहे वो जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण, हर समीकरण का ध्यान रखा जा रहा है। बिलासपुर को मंत्री पद दे दिया गया है और कांगड़ा को भी एक और मंत्री पद दे दिया गया है, पहले ही वहां से एक मंत्री थे दूसरे मंत्री को दे दिया गया है। और जातीय समीकरण को भी देखा गया है, जो यादविंदर गोमा है एससी से आते हैं, स्टूलकास्ट से ये आते हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन्होंने पैरवी की थी कि एक और मिनिस्टर जो है वो एससी कोटे से होना चाहिए, तो एससी कोटे से यादविंदर गोमा जो है वो मंत्री बने हैं। और इससे भी दिलचस्प, 2 बार चुनाव जीतने के बाद, महज 2 बार चुनाव जीतने के बाद इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब कांगड़ा को 2 मंत्री मिल गए हैं और जो पुराने मंत्री है उनके विभागों में शफलिंग हो सकती है, यानी जो विभाग है वो उनसे वापसी लिए जा सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। राजेश धर्माणी घुमारवी से जीत कर आए हैं और आपको बता दें घुमारवी के लिए जो अच्छी बात है, जब भाजपा की सरकार प्रदेश में थी उस वक्त भी वहां से मिनिस्टर थे और अब जो है वो कांग्रेस सरकार में भी राजेश धर्माणी को वहां से मंत्री बनाया गया है। जो अभी चर्चाएं चल रही है उनको वन पर्यावरण आबकारी का जो जिम्मा है वो दिया जा सकता है, यानी जो वन विभाग है पर्यावरण विभाग है वो उनको देने की चर्चाएं हैं, संभावनाएं हैं, अभी फिलहाल ये सीएम के पास है। यादविंदर गोमा की बात करें, शहरी विकास पर्यटन विभाग जो है वो इनको देने की चर्चाएं हैं। विधानसभा सत्र से पहले 2 मंत्री की हमने चर्चा कर दी आपके पास, लेकिन अभी मंत्रियों के अलावा एक पद खाली छोड़ा है सीएम ने और उन्होंने ये कहा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि इसको भी लोकसभा चुनाव से पहले भर दिया जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव तक सारी जो चीजें वो पूरी हो जाएगी, एक मंत्री पद जो खाली चल रहा है इसको भी भर दिया जाएगा। अभी जो मंडी जिला की बात करें तो मंडी जिला से एक भी मिनिस्टर अभी तक नहीं है, तो सीएम ने कहा है कि मंडी जिला को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, वहां से भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहां से कांग्रेस के एकमात्र जो विधायक है चंद्रशेखर, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बड़ी बात कही है, यानी हर चीज को सीएम सुक्खू देख रहे हैं और किसको क्या जिम्मा देना है ये जो है वो कह सकते हैं आप, चाहे वो मंडी जिला की बात हो या फिर बिलासपुर जिला की बात हो या फिर कांगड़ा जिला की बात हो, बिलासपुर कांगड़ा को सौगात दे मिल गई है और अब जो है वो मंडी जिला को भी बहुत जल्दी सौगात मिलेगी। विधानसभा सत्र में उपाध्यक्ष की ताजपोशी भी संभव है, प्रदेश विधानसभा के जो उपाध्यक्ष है उसकी ताजपोशी अभी तक नहीं हुई है, एक साल हो गया है, ऐसे में जो और नेता है जो छूट गए हैं उनको भी जल्द जो है वो बड़ा जिम्मेदारी मिलने वाली है, उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी वो उनको जो उपाध्यक्ष है विधानसभा के, ताजपोशी संभव है विधानसभा सत्र के दौरान। और इसके अलावा मुख्य सचेतक और सचेतक ये भी बहुत जल्दी लगेंगे, इसको लेकर के भी सीएम ने कह सकते हैं आप हिंट दे दिया है कि बहुत जल्दी ये भी जो ताजपोशी है पूरी कर दी जाएगी। अब बचते हैं प्रदेश के बोर्ड निगम, इसको लेकर के जुबानी कई बार जो है वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर खबरें भी चल रही है, लेकिन सीएम सुक्खू ने एक साल तक क्यों जो है वो बोर्ड और निगमों के जो ताजपोशी है वो नहीं की, इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही थी कि जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है और अगर ताजपोशी हो जाती है तो आपको पता ही है एक व्यक्ति के पीछे कितना, चाहे वो पीएन हो, गाड़ियां हो, कैसे दौड़ेगी। और इसमें भी अब जो है वो जो खबर निकल कर आ रही है, जो सूचना हमारे पास है, बोर्ड निगमों में भी बहुत जल्दी ताजपोशी होगी। आपने देखा कुछ दिनों पहले ही जो छाछटा है उनको जिम्मा दे दिया गया, यानी शुरुआत कर दी है सीएम सुक्खू ने ताजपोशियों की बोर्ड निगमों में भी, और बहुत जल्दी जो बचे हुए लोग हैं जो चाहे इसमें देखिए आपको बता दें जो कांग्रेस के विधायक चुनाव हारे हैं, हालांकि जब पिछली सरकार थी भाजपा सरकार उस वक्त जो है वो कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया था कि जो हारे हुए लोग हैं उनको जो है वो अब बोर्ड निगमों में फिट किया जा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो विधायक चुनाव हारे हैं उनको भी जिम्मा देते हैं बोर्ड निगमों में, ये बड़ा 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 सवाल है, आने वाले समय में ही इसमें जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। अब बात करते हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बड़े बयान को लेकर। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा बयान दिया है और सीएम सुखविंदर सिंह
सुक्खू ने जो चुनाव अभी हुए हैं हाल ही में और जो लोकसभा चुनाव हैं इसमें ईवीएम पर जो है वो डाउट की बात कही है, जो जो मशीन है ईवीएम जिससे चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, एमसी के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ईवीएम पर डाउट की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के डेमोक्रेटिक इतिहास में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया जिस कार्यक्रम में वो वहां पर थे और उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में मुझे जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 60% वोट पड़े, उसके एक साल बाद, महज एक साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो ये जो डाउनफॉल है वोट गिरने का ये 25% हो गया। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, मुझे भी बड़ा राजनीतिक अनुभव है। और उतना ही नहीं, मेरी बात तो छोड़िए, जो वीरभद्र सिंह है, दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह का उन्होंने जिक्र किया, 40,000 के मार्जिन से चुनाव जीत जाते हैं विधानसभा का वो, लेकिन जब वो लोकसभा चुनाव में उन्हीं का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से 40,000 का मार्जिन नहीं डाउनफॉल हो जाता है, यानी 40,000 से डाउन हो गए, तो ये सच में जो है वो आश्चर्यचकित करने वाली बात है। वो उन्होंने कहा है कि वोट का इतना टिल्ट होना शक पैदा करता है और इस बार लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाएं तो पता लग जाएगा, जो शक है वो दूर हो जाए। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, पेंशनरों की सरकार से जो मांगे हैं उसको लेकर के अब पेंशनर उग्र भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आगामी समय में रणनीति बनाई जाएगी और पेंशनरों की जो डिमांड है, जो सेवानिवृत्त पेंशनर हिमाचल प्रदेश में है ये भी लाखों में है, और इन्होंने सरकार से जल्द जो है वो जो डीए अभी नहीं मिला है, महंगाई भत्ता अभी नहीं मिला है, इसकी इन्होंने फिर से आज डिमांड की है कि सरकार अब जल्द से जल्द जो है वो जो डीए की 3 किश्तें लंबित है 12% के आसपास, उसको सरकार जल्द से जल्द जारी करें। आपको बता दें केवल पेंशनर ही नहीं, प्रदेश में जो कर्मचारी है उनको भी डीए की किश्त नहीं मिली है, वो भी इंतजार कर रहे हैं। अब जो लम्हा आएगा आगे जब दी जा सकती है वो 25 जनवरी होगा, उस दिन जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है वहां से सीएम अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आज पेंशनरों ने सरकार से मांग की है कि डीए की 3 किश्तें लंबित है, कम से कम 1 किश्त तो दी जाए। दूसरी जो इनकी मांग है, 2016 से जो रिवाइज पे स्केल का एरियर है वो भी एक मुश्त दिया जाए, इनकी डिमांड है, और 50% एवं 30% पे मैट्रिक अनुसार रिवाइज पेंशन फिक्स की जाए, ये इनकी मांग है। और 2016 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं पेंशनर उनका एरियर, लिव इन कैशमेंट ग्रेच्युटी, इसका भी एक मुश्त भुगतान हो। लंबित चिकित्सा बिलों की भी इन्होंने मांग की है कि काफी लंबे समय से जो 80 साल से अधिक के बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने सेवाएं दी है सरकार में पहले और अब सेवानिवृत्त है, उनके जो चिकित्सा बिल है इसकी अदायगी सरकार जल्द से जल्द करें। आपको बता दें 17 दिसंबर को शिमला में जो पेंशनर हैं वो एक मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी, जो नेता है, कर्मचारी नेता जिनको आप कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि आपदा अब खत्म हो चुकी है, ऐसे में सरकार पेंशनरों के बारे में सोचें और सरकार जो है वो रिलीफ दें। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, पीटीए अध्यापकों को इसी माह 122 करोड़ राज्य सरकार देने वाली है, कैसे देगी आपको बता दें। 31 दिसंबर से पहले सरकार को जो पीटीए है उनका जो बकाया है वो चुकाना होगा, कोर्ट से केस जीत कर आए हैं, शिक्षकों का 40% दे हैं और वित्त विभाग में इसको लेकर कसरत चल रही है, आपको हम लगातार खबरें बता रहे हैं। आज जो खबर है 3 किश्तों में सरकार जो है वो ये एरियर देगी पीटीए शिक्षकों को और 40% जो एरियर है वो इसी जो टोटल दिया जाना है इसमें 30% जो है वो अगले 30% अगले साल भी दिया जाएगा और 6500 शिक्षकों को ये मिलना है और 2018 से जो कोर्ट से केस जीत कर आए हैं 2018 से इनको लाभ मिलेंगे और कोर्ट से इसको लेकर के जो है वो शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया था, इनको बड़ी राहत मिली है, यानी 40% दिसंबर में और बाकी जो 30% है ये अगले साल इनको मिलेगा, यानी इसी माह 30 दिसंबर माह से पहले, जो ये आखिरी सप्ताह आने जब आएगा उससे पहले ये इनको मिल जाएगा और 122 करोड़ हमने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल प्रमोशनों को लेकर के, 2 दिन पहले सरकार ने प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर के जो पोस्टिंग आदेश हैं कि कहाँ इनको पोस्ट करना है, जो पदोन्नति इनकी होनी थी वो भी जो है वो आदेश जारी कर दिए थे। अब जो है आपको बता दें आज इसको लेकर के संशोधित आदेश जारी होने हैं, कुछ देर बाद ये होने की संभावनाएं हैं। 77 प्रिंसिपलों की जो लिस्ट थी वो 2 दिन पहले जारी हुई थी, उसमें तैनाती आदेश भी जारी कर दिए गए थे लेकिन सीएम सुक्खू ने इसको रोका और अब आपको बता दें इसकी जो सूची आएगी, जो कह सकते हैं आप संशोधित सूची, इसको जो है वो जारी किया जाएगा, इसको होल्ड किया गया है। इसमें प्रिंसिपलों के पोस्टिंग स्टेशन बदलेंगे, बाकी लिस्ट वही रहेगी, यानी साफ शब्दों में, सरल शब्दों में बता दें आपको, जो प्रिंसिपल प्रमोशन हो गई थी 2 दिन पहले, आपको हमने सूचना भी इसकी दे दी थी, अब जो प्रिंसिपल प्रमोशन हो गई थी वो ज्यों की त्यों रहेगी, केवल और केवल जो कहां पर इनकी पोस्टिंग होनी है, जो नए स्टेशन होंगे वो जो है वो इसमें आएंगे और बहुत जल्दी इसके लेकर के जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी जी, यानी संशोधित जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी सरकार के स्तर पर। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के, लोक सेवा आयोग ने कंडक्टर भर्ती की जो आंसर की
है वो जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है उससे रिलेटेड ये खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केवल अभी फिलहाल आंसर की जारी की गई है और इसी रविवार को 360 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इसके बाद अब मेरिट सूची जारी होगी, उसके बाद HRTC में जो है वो कंडक्टरों की भर्ती होगी। यानी आज केवल जो कह सकते हैं आप आंसर की है वो जारी हुई, रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट अगर आपको लग रहा है सोशल मीडिया पर खबरों के माध्यम से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, केवल आंसर की आई है। अब बात करते हैं एक और खबर को लेकर के। शिमला में भाजपा नेता ने जो है वो आज कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार एक साल में असफल रही है और सरकार ने 12 माह में 12 जनविरोधी फैसले लिए हैं। हर वर्ग को इंतजार ही जो है वो सरकार ने करवाया है। महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का इंतजार अभी भी है। किसान बागवान फसलों के दाम खुद तय नहीं कर पाए। गोबर दूध खरीद का जो इंतजार है वो काफी लंबे समय से कर रहे हैं लोग, और जो मंत्री है उनको भी लगभग एक साल का इंतजार करना पड़ा जो दो नए मंत्री बने हैं। अब जो बोर्ड निगम है उसमें ताजपोशियां होनी है, उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी ये जो सरकार है ये इंतजार ही करवा रही है, फैसले जो ले रही है, जो हमने फैसले लिए थे पूर्व की सरकार में को भाजपा सरकार ने उसको पलट रही है, जन विरोधी फैसले सरकार कर रही है ना, ये उन्होंने आरोप लगाया है। और जो CPS की नियुक्तियां भी सरकार ने की है ये भी असंवैधानिक है। कुल मिलाकर के एक साल का जो है वो जो कार्यकाल है ये विफलता भरा रहा है। आज रणधीर शर्मा ये भाजपा नेता है, इन्होंने शिमला में प्रेस वार्ता की और इन्होंने 12 महीने में 12 उपलब्धियां की जगह इन्होंने जो है वो नाकामियां सरकार की गिनाई है और इन्होंने जुबानी जो हमले बोले हैं आपको हमने बता दिए हैं। अब बात करते हैं कृषि मंत्री चंद्र कुमार को लेकर के। ये खबर आम जनता से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस ने जब चुनाव में वो उतरे थे सरकार बनने से पहले गारंटी दी थी कि हम जो है वो गोबर खरीदेंगे। अब गोबर कैसे खरीदेंगे, 2 रुपए किलो, ये खबर आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन कब से खरीदेंगे आपको बता देते हैं। किसानों से अब सरकार 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। इसको लेकर जो समीक्षा बैठक है वो शिमला में की गई और इसमें गोबर खरीद के लिए क्लस्टर बनेंगे और हर ब्लॉक में 250 किसान पंजीकृत होंगे। पशुपालन कृषि विभाग से 2 नोडल ऑफिसर नियुक्त इसमें किए जाएंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि किसानों की आर्थिकी मजबूत करना सरकार का उद्देश्य है और सरकार किसानों पशुपालकों को के हितों में लेकर के जो है ये फैसला लेगी और जनवरी माह से ये तो हो गया, ये जो है जो नया बजट सत्र आएगा उसमें इसको उसके बाद इसको शुरू कर दिया जाएगा गोबर खरीदना। आप कह सकते हैं मार्च अप्रैल कभी फरवरी माह के बाद कभी भी जो है बजट सत्र हो सकता है, ये हो गया गोबर खरीद हो जाएगी नए साल में। लेकिन सरकार जनवरी माह से 6 रुपए की बड़ी वृद्धि से दूध खरीदेगी। अब देखना पड़ेगा जो अभी दूध खरीद है उससे 6 रुपए की वृद्धि पर सरकार खरीदती है। लेकिन ये इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जब गारंटी दी थी अपने चुनाव में तो उस वक्त की जो गारंटी थी वो थी गाय का दूध 80 रुपए खरीदेंगे और भैंस का दूध 100 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे, लेकिन मार्केट जो रेट है वो काफी कम है इसका। अब देखना पड़ेगा कि सरकार जो मार्केट रेट है उससे ऊपर 6 रुपए की वृद्धि से खरीदती है या फिर जो सरकार ने जो कांग्रेस ने वायदा किया था चुनाव के वक्त 80 रुपए खरीद का 100 रुपए खरीद का जो भैंस का है वो 100 रुपए और जो गाय का है वो 80 रुपए का है, जनवरी माह से खरीद शुरू हो जाएगी। ये बड़ी खबर है जो आज की खबर है, हमने बता दिया आपको जो अभी का अपडेट हमारे पास है। अब 6 रुपए खरीदती है तो फिर 31 से 37 हो जाएगा। अगर कांग्रेस अपनी गारंटी के हिसाब से खरीदती है तो फिर वो 80 रुपए और 100 रुपए प्रति किलो होगा, जनवरी माह से शुरू हो जाएगी खरीद। और एक खबर दिल्ली से निकल कर आई है, ये बड़ी खबर है आज की। केंद्र सरकार ने प्रदेश को 633.73 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यानी केंद्र की जो मोदी सरकार है वहां से 633 करोड़ 73 लाख रुपए जो अभी तक खबरें चल रही थी सोशल मीडिया पर और जो कांग्रेस और भाजपा के नेता है वो जुबानी हमले बोल रहे थे और कांग्रेस नेता ये कह रहे थे कि केंद्र से मदद नहीं मिल रही है, जो हमने वहां पर भेजा हुआ है कितना नुकसान प्रदेश को हुआ है। हालांकि जितना नुकसान हुआ है उसका तो इतना बड़ा जो है वो अमाउंट नहीं मिल पाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने जो भी इसमें नॉर्म्स होते हैं उसके तहत 633.73 करोड़ रुपए जो है वो आज जारी कर दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है और NDRF के तहत ये जो राशि है ये प्रदेश सरकार के खजाने में आएगी। और इस साल मॉनसून में प्रदेश को बड़ा नुकसान हुआ था, बता दें आपको फ्लड आए थे, बादल फटे थे, लैंडस्लाइड हुई थी, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। जो जान चली गई थी उसकी भरपाई करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो नुकसान हुआ है प्रदेश का उसकी जो राशि है वो केंद्र से आज जारी हो गई है। काफी लंबे समय से जो है जुबानी हमले बोले जा रहे हैं, तो आपको बता दें केंद्र से राशि तो मिली है लेकिन जितनी राशि की डिमांड प्रदेश सरकार से की गई थी, केंद्र सरकार को जो यहां से प्रपोजल गया था 10,500 करोड़ से अधिक का, यानी 10,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था। आधिकारिक जो आंकड़ा था जिसमें आप कह सकते हैं जो प्रॉपर गवर्नमेंट का आंकड़ा होता है वो 10,500 करोड़ का था। जो केंद्र से मदद हुई है वो 633.73 करोड़ हुई है, यानी ये जो राशि है जो नुकसान हुआ है प्रदेश में बड़े बड़े चाहे वो सड़कें हैं या फिर जो PWD विभाग है, IPH विभाग है, शिक्षा विभाग है, जिसको भी जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के केंद्र से मदद हुई है जी। अब इस पैसे को खर्च किया जाएगा जो डेवलपमेंट होनी है
अगेन डेवलपमेंट होनी है, जहां पर जो भवन गिर गया है उसको फिर से बनाना है, 633.73 करोड़ 73 लाख रुपए, यानी 633 करोड़ 73 लाख रुपए की जो राशि जारी कर दी गई है। कि जो एसएमसी पॉलिसी है, वोकेशनल टीचर पॉलिसी है, और इसके अलावा कंप्यूटर टीचर पॉलिसी है, इस पर फिलहाल अभी कुछ भी जो है वो आगे मूवमेंट नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। और चाहे वो रोहित ठाकुर हो या फिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका यही बयान था इसको लेकर के कि जैसे आपदा खत्म हो जाएगी, अभी फिलहाल 5 साल हमारे पास है, हम कुछ ना कुछ करेंगे। आउटसोर्स पॉलिसी की बात कर लीजिए, आउटसोर्स बड़ा मुद्दा बना पिछली सरकार में, लेकिन इस सरकार में सीएम से ये लोग मिले 25 से 30 हजार के आसपास के कर्मचारी है, ये भी अपने लिए स्थायी पॉलिसी मांग रहे हैं। तो इनको जो नया बजट सत्र आएगा उसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़ी राहत दे सकते हैं। फिलहाल इनको लेकर के जो पॉलिसी की बात है, सीएम ने कहा था कि आप रुकिए, 1 साल आप रुकिए, 6-7 महीने रुकने को कहा गया था, लेकिन उसके बाद आपदा आ गई, आपदा के बाद ये लोग फिर से नहीं मिल पाए सीएम से। लेकिन आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर साफ सीएम ने कहा है कि हम बनाएंगे और ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। और सीएम ने यह भी कहा है कि आगामी समय में हम कोशिश करेंगे जितनी भर्तियां हो प्रदेश में, वो राज्य चयन आयोग के माध्यम से हो या फिर जो भर्तियां हो वो फिर जो नया चयन आयोग बन रहा है, राज्य चयन आयोग, या फिर जो लोकसभा आयोग के माध्यम से भर्तियां अभी फिलहाल हो रही है, जो राज्य चयन आयोग, नया राज्य चयन आयोग जो जनवरी माह के बाद शुरू हो जाएगा, उससे भर्तियां जो है वो करवाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि जो आउटसोर्स भर्तियां प्रदेश में कम हो, जो लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी है उनके लिए स्थायी पॉलिसी लाई जाएगी। तो नए बजट सत्र से जो है उनको आस है। बाकी एनटीटी भर्ती को लेकर जो मैटर, काफी कमेंट आ रहे हैं एनटीटी भर्ती को लेकर, आपको बता दें एनटीटी भर्ती अभी जब कैबिनेट बैठक होगी उसमें जाएगी जी। इसके आरएनपी रूल्स हमेशा चर्चाओं में रहे हैं, पिछली सरकार में भर्तियां नहीं हो पाई, इस सरकार को भी 1 साल हो गया है ये भर्ती नहीं हो पा रही है, 4000 से अधिक पद भरे जाने हैं, अब देखना पड़ेगा कब तक इसको लाया जाता है।